सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड मुख्यालय स्थित जिला पार्षद चिंता देवी के आवास पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री का जन्मोत्सव काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मौके पर मौजूद भाजपा प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंत्री अवधेश सिंह चेरो, जिला पार्षद चिंता देवी, वरीय नेता आशीष कुमार सिन्हा, मंडल महामंत्री विजय पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता बनारसी पासवान, सोनू सिकंदर, चंचल यादव, अजय कुमार चंद्रवंशी, विधायक प्रतिनिधि राणा प्रताप कुशवाहा, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनुपमा देवी, संदीप कुमार, कमला देवी, पूनम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी व लाल बहादुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंत्री अवधेश सिंह चेरो ने लोगों से महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बताए गए मार्गों पर संकल्प लेने की बातें कही। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट। आप मीडिया बंधुओं का हम अभिनंदन करना चाहते हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हम लोग चिंता देवी के आवास पर मना रहे हैं, साथ साथ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। सतबरवा प्रखंड के हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज जन्मदिन है और हम इस गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे महात्मा गांधी देश जो मेरा गुलाम था उस समय इन्होंने अंग्रेजी सरकार को यहाँ से भगाने का काम किया, साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी आज ही के दिन 1904 ईस्वी में उनका जन्म मुगल सराय में हुआ था और बहुत कम समय में लाल बहादुर शास्त्री जो हैं सो 16 साल की उम्र में जब हम गुलाम थे उस समय कूद पड़े अंग्रेज देश को बचाने के लिए। तो हम उनका मार्गदर्शन में चलेंगे तभी मेरा भारत देश का कल्याण हो सकता है। इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दो देश के महापुरुषों को दिवस पर और तमाम लोग को अपने प्रखंड और राज्यवासी सहित देशवासियों को इस अवसर पर सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि महात्मा गांधी अपने जीवन राष्ट्र के लिए इस देश के लिए शरीर को समर्पित करने का काम किया है और जो उन्होंने देशवासियों को जो उपदेश दिया है उसे आज आत्मसात करने की जरूरत है।